हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस पी लर्निंग हब जैसा कि आप लोगों को पता है अभी हमारी एन साइंस सॉल्यूशन की क्लासेज चल रही है जिसमें हम एन साइंस के किसी न किसी यूनिक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एन साइंस क्लास टेंथ का जो बारवा चैप्टर है चैप्टर का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं विद्युत इस चैप्टर के बुक के दो पेज नंबर पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे आज हम तो अगर आपकी भी ऐसी कोई समस्या है जिसमें आपके बीच वाले क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल पा रहा आपको तो उनके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है सीधा यूट्यूब पे जाओ और हमारे चैनल पे आके प्लेलिस्ट में एन समाधान कक्षा दस के नाम से प्ले बनी हुई है उसमें जाके आप अपना क्वेश्चन ढूँढ सकते हैं और डायरेक्ट अगर यूट्यूब पर सर्च करना चाहते हैं तो आप क्यूसन का चैप्टर चैप्टर और क्यूसन और आगे लिखें चैनल का नाम एस पी लर्निंग हब बाई एस पी लर्निंग हब ये सर्च करके आप देख सकते हैं तो इसी कड़ी में आज हम टेंथ क्लास का जो ये विद्युत वाला चैप्टर है इसके कुछ क्वेश्चन है दो पेज नंबर पे जिनके बारे में हम बात करेंगे क्वेश्चनों के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और राइट साइड में जो बेल का आयकन उसको दबा दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुँच जाए तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेलाइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं एन सी आर टी साइंस क्लास टेंथ का जो बारवा चैप्टर है जिसमें दो सौ बत्तीस पेज नंबर पर आपके पांच क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से दो क्वेश्चन के बारे में हमने पिछले दो वीडियो में बात कर ली है आज हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न के बारे में जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा प्रश्न है टाइप प्रश्न है तो इसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझना होगा मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर दे ने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा मान लीजिए कि कोई विद्युत अवयव है मान लो यही है ठीक है ये कोई विद्युत अवयव है और इसके ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा दो सिरों के बीच जो विभवांतर है यहाँ पर जो इसका विभवांतर है इस विभवांतर को क्या किया जाता है उसके पूर्व विभवांतर से की तुलना में घटाकर कितना कर दिया V बटा टू यानी आधा कर दिया तो उसका प्रतिरोध पहले भी मान लो आर्थार अब भी आर है तो प्रतिरोध सेम है तो उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा क्या आई जो विद्युत धारा है उसमें कोई परिवर्तन होगा क्या कोई प्रभाव पड़ेगा क्या अगर पड़ेगा तो क्या होगा कम होगी ज्यादा होगी तो यहाँ देखो दो तीन चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि यहाँ वी भी आपको दिया हुआ है आई भी दिया हुआ है आर भी दिया हुआ है मतलब इन तीनों में संबंध पूछ रहा है और इन तीनों में संबंध के लिए आपको पता होना चाहिए एक सूत्र होता है फिजिक्स में वो सूत्र है वी बराबर आई आर क्या ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है अगर आप लोगों ने ये सूत्र पढ़ा है तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ करके लिखिए और नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं मैं बता रहा हूँ चलो v बराबर आई आर वी बराबर आई आर यह सूत्र आप लोगों को पता है तो आप इन तीनों में संबंध निकाल सकते हैं जैसे मान लीजिए आपको r निकालना है तो i को इधर भेज दो बटे में आ जाएगा यानी r बराबर वी अपॉन आई ऐसे निकाल सकते हैं मतलब तीनों में आप संबंध स्थापित कर सकते हैं और इसी संबंध पर आधारित ये प्रश्न है समझ में आपको आना चाहिए तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन तो देखिए इसका सॉल्यूशन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि अपन जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है आर बराबर वी अपॉन आई ये ओम के नियम से आया है और अभी आपको मैंने पीछे ओम का नियम बताया था कि V बराबर क्या होता है आई आर होता है हमको R देखना है तो देखो R को इधर रख लो I को इधर भेज दो तो V बटे आई बराबर आर अपने पास में आ जाता है अब R को आप इधर लिख दो V बराबर आई को इधर लिख दो बात एक ही हो जाएगी तो इसको अपन R बराबर वी अपॉन आई ऐसे लिख दिया तो बात वही है ठीक है तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि आर बराबर वी अपॉन एक नहीं है ये क्या है आई है ओम के नियम से ये हमारे पास में आया है अब देखो कि माना कि विभवान्तर V1 से घटाकर V2 कर दिया गया देखो पहले क्या माना गया V1 और बाद में विभवाना माना V2 अब V1 पहले का है V2 बाद का है यानी ये घट के कम हुआ है तब जाके V2 हुआ है अब इस स्थिति में अगर, अगर अपन देखें तो पहले की अपेक्षा आधा हुआ है ये ध्यान रखो तो V2 बराबर v1 टू बराबर वी वन अपॉन टू यानी पहले वाले में दो का भाग देंगे तभी तो v2 आया है यह भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई v2 टू बराबर वी वन अपॉन टू ये लिख सकते हैं क्योंकि जो ये ये बंक गलत लिखा है प्रतिरोध कैसा रहता है नियत रहता है तो इसलिए अपन यहाँ ये लिख सकते हैं कि v1 वन अपॉन आई टू भाई अपॉन बराबर आई आर होता है आर निकालोगे तो वी बटे आई आपके सामने आया है तो वी वन वी वन बटे आई टू बराबर वी टू बटे आई टू दोनों के लिए प्रतिरोध तो समान होगा अरे प्रतिरोध लिखोगे आप R1 वन बराबर आर तो R1 का तो मान क्या है आपके पास में V1 वन अपॉन आई और R2 का मान क्या है V2 टू अपॉन आई टू भाई वी टू बराबर वी वन अपॉन तू ऐसे लिख रखा है यहाँ पर तो R1 और R2 क्या है दोनों बराबर हैं R1 R2 तो यहाँ R1 का मान रख दिया यहाँ R2 का मान रख दिया मान रखने के बाद में देखो V1 upon I2 बराबर V2 upon I2 ये आ गया अब क्या करते हैं अपन जैसे इनको देखते हैं हम तो V1 बराबर v1 वन अपोन वी टू बराबर आई वन अपन आई टू लिख सकते हैं कि दोनों जो विभवान्तर हैं उनका अनुपात और धारा का अनुपात बराबर होगा विभवान्तर और धारा समानुपाति होती है आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर v1 वन अपॉन वी टू बराबर आई वन अपॉन आई टू यह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि v1 वन बटे में वी वन 2 टू ये लिख सकते हैं अपन और I बटे आई टू लिख सकते हैं I1 वन बटे आई टू मतलब V2 टू यहाँ पर V2 है और V2 आपको पता है V1 वन अपॉन टू है तो V2 की जगह V1 वन अपॉन वी लिख दिया अपन ने भाई यहाँ से और उठा के मान को यहाँ रखा है बस अब यहाँ पर देखिए कि V1 वन अपॉन वी वन अपॉन टू तो यहाँ 2 बराबर आई वन अपन आई टू ये अपने पास में मान आ जाएगा v1 वन अपोन वी को तो साइड में रख दो यहाँ वन अपॉन टू बचाए तो ऊपर टू आ जाएगा और टू बराबर आई वन अपोन आई टू अपने पास में आ जाता है अब हमें देखना क्या है आई टू देखना है धारा देखनी है ना भाई धारा में कुछ परिवर्तन हुआ है क्या तो धारा में भी तो परिवर्तन हुआ है आई टू निकालनी आई वन तो क्या है पहले की धारा थी विभवांतर वो चेंज किया उसके पहले की विभवानतर V1 से घटाकर वी टू कर दिया मतलब वी टू बराबर वीवन अपॉन टू आधा किया था इस वजह से अब यहाँ पर पहली धारा आई वन है दूसरी आई टू है तो आई वन तो है जो है लेकिन I1 और I2 के बीच में कोई परिवर्तन आएगा क्या कम ज्यादा होगी क्या ये देखना है प्रश्न तो ये पूछ रहा है अपना तो बिल्कुल यहां 2 बराबर I1 वन अपॉन आई तो I2 I2 को अपन यहां रखते हैं I1 को इधर भेजते हैं तो I1 वन अपॉन टू आई बराबर आई टू आ जाता है तो आई टू बराबर अपने पास में आ जाता है आई वन अपॉन टू यानी पहले वाली जो धारा है उसकी आधा होगी अभी वाली धारा मतलब कुल मिला के जैसे विभवांतर वी टू है वो वी वन अपॉन टू है तो ऐसे ही I2 है वो भी क्या हो जाएगी I1 one upon two आपको पता होना चाहिए आपने देखा होगा V बराबर I R या V समानुपाती I R कैसे भी आप समझ लो तो V और I एक दूसरे के क्या है समानुपाती बराबर हैं तो V और I V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा और V घटेगा तो आई भी घटेगा ये ध्यान रखिए तो जैसे ही यहां पर विभवांतर में परिवर्तन होता है तो यहां धारा में भी परिवर्तन होगा अतः विभवांतर आधा हो जाने पर धारा भी आधी हो जाएगी अब एक स्टेटमेंट आपके सामने निकल के आ गया कि किसी भी तार में कुछ भी परिवर्तन किया जाए समान तो धारा परिवर्तन उसमें प्रवाहित तो होनी चाहिए और समान धारा का जो स्रोत है वो भी दोनों में एक जैसा होना चाहिए अगर मान लो आप विभवांतर को दस गुणा करते हैं तो धारा भी दस गुणी हो जाएगी और विभवांतर को मान लो आधा करते हैं तो धारा भी पहले की अपेक्षा आधी हो जाएगी आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है उससे होगा क्या आपको थोड़ी सुविधा रहेगी कि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुँच जाएगी आपको बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और वीडियो या प्रश्न के सॉल्यूशन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद राधे राधे जय हिंद मातरम